क्या बोला बिन बोल क्या बोला हो जाएगा कड़वा दे देगा क्या वो नहीं से नहीं देगा भेजेगा तो फॉर्म भरवाया दोनों का फॉर्म भर दिया दोनों का फॉर्म मेरा तेरा दोनों का क्या कीजिएगा ये क्या बताऊँ तुम अपना किया है मेरा वाला अकाउंट में किया नहीं नहीं उसमें फिर आपका साइन कर देगा तुम अपना वाला अकाउंट में किया हमारा ही साइन करेंगे कार्ड देने के लिए कार्ड देने और एसएमएस के लिए इसका क्या वाईसी बोल रहा है कि आ तो रहा है ऐसे बोल रहा है सारे नहीं आ रहे ना इधर उधर ट्रांजेक्शन हुआ आ ही नहीं रहा है तो कहता है तब ये वो क्या वैसे ही डाल दीजिएगा केवाईसी वाला फॉर्म लाया फॉर्म तो लाए आज लिया हम आज काम ही नहीं हो रहा तो अरे फॉर्म लाया हम पूछ रहे हैं ना फॉर्म लाया केवाईसी वाला फॉर्म लाके जमा कर देंगे मेरा पासबुक में एंट्री नहीं है
उसमें उस दिन तो बार कोड सब लगा के दे दिया एंट्री करके वो लड़का, आज मशीन में बाहर में डाल रहे हैं तो ले ये। ठीक है क्लास भी करेंगे। चंदन जी क्लास शुरू कर दें। हाँ चंदन जी। हाँ सर कर दीजिए। हाँ देखते टाइम हो गया, बच्चे आए नहीं है। तो पेटेंट इंफ्रिंजमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। तो पेटेंट इंफ्रिंजमेंट जो है दो टाइप का होता है। दिस कैन बी क्लासिफाइड इन द टू टाइप्स, डायरेक्ट इंफ्रिंजमेंट, इनडायरेक्ट इंफ्रिंजमेंट। फिर डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, लिटरल इन्फ्रिंजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट। इनडायरेक्ट को भी इंड्यूस्ड में और कंट्रीब्यूटरी, ये टाइप्स है पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का, है ना। ये दिया हुआ डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट के दो टाइप है, लिटरल इन्फ्रिंजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस। इनडायरेक्ट के दो टाइप है, इंड्यूस्ड और कंट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट। तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि जो है ये टाइप्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट क्या है और इसमें डिफरेंट केसेस को कौन कौन सी कंपनी ने किया था, वो इसमें आपको क्लियर हो जाता वो होगा। वो डायरेक्ट पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट इज द मोस्ट अपेरेंट एंड कॉमन टाइप ऑफ द पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। ये जो है सबसे ज्यादा होता है और कॉमन टाइप ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट है। मोस्ट ऑफ द पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट जो भी होते हैं ये डायरेक्ट पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट ही होते हैं। डायरेक्ट पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट मीन्स मार्केटिंग, सेल और कमर्शियल यूज ऑफ एन एग्जैक्ट पेटेंटेड आइटम और इन्वेंशन दैट परफॉर्म सब्स्टिट्यूटली द आइडेंटिकल फंक्शन। बिल्कुल जो है जो मार्केटिंग होता है, सेल होता है और कमर्शियल यूज होता है, बिल्कुल इक्विवेलेंट किसी चीज का अगर कॉपी किया जाता है तो उसको डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट जो है दो टाइप का होता है, लिटरल और नॉन लिटरल। लिटरल में लिटरल इन्फ्रिंजमेंट जैसे कि नाम बोलता है, अकर्स व्हेन ईच एंड एवरी कंपोनेंट क्लेम्ड इन द पेटेंट स्पेसिफिकेशन हैज बीन यूज्ड इन एलेज्ड इन्फ्रिंजिंग प्रोडक्ट और डिवाइस और प्रोसेस। जब हर एक कंपोनेंट पेटेंट का
इन्फ्रिंज किया जाता है इन द न्यू प्रोडक्ट, जो दूसरा कंपनी अगर बनाता है तो सारे कंपोनेंट उसको जो है इन्फ्रिंज कर लेता है, तो एक्यूज प्रोडक्ट और प्रोसेस फॉल डायरेक्टली इन विद इन स्कोप ऑफ द पैटेंट क्लेम्स, है ना, तो उसको पैटेंट क्लेम में वो ला सकता है। इन केस ऑफ द डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट कंपैरिजन ऑफ द अलेक्ट इन्फ्रिंजिंग प्रोडक्ट फीचर्स द क्लेम्स ऑफ द पैटेंट कुड बी फर्स्ट स्टेप टू नो द एग्जैक्ट पैटेंट इन्फ्रिंजमेंट, है ना। तो पहला केस इसमें हुआ था पैटेंट इन्फ्रिंजमेंट का, पोलराइट कॉरपोरेशन एंड ईस्टमैन कोडेक कंपनी, है ना, वेयर पैटेंट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ईस्टमैन कोडेक कंपनी ऑफ द पोलराइट इंस्टेंट कैमरा टेक्नोलॉजी वाज ए केस ऑफ द लिटरल इन्फ्रिंजमेंट। जो कैमरा बनाती है कोडेक कंपनी, जो पोलराइट कैमरा बनाती है ईस्टमैन बनाती है, उसी के केस में ये अब हुआ था लिटरल इन्फ्रिंजमेंट। मीन्स द इन केस ऑफ द लिटरल इन्फ्रिंजमेंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द प्लेट पैटेंट क्लेम मस्ट बी प्रूवन टू बी हैव बीन इन्फ्रिंज्ड। इसमें सारे आपको पोलराइट कॉरपोरेशन का जो है सारे चीज जो है आपको कोडेक कंपनी ने जो कैमरा बनाती है उसने ले लिया था, तो ये आपको लिटरल इन्फ्रिंजमेंट है। दिस वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन केस ऑफ द लैमसन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन द फेडरल सर्किट कोड हेल्ड दैट इट वाज वेल सेटल्ड दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए क्लेम इज मटेरियल एंड एसेंशियल एंड दैट इन ऑर्डर फॉर ए कोर्ट ऑफ द फाइन इन्फ्रिंजमेंट द प्लेंटीफुल मस्ट शो द प्रेजेंस ऑफ एवरी एलिमेंट फॉर इट्स सब्सटेंशियल इक्विवेलेंट ऑफ द क्वेश्चन डिवाइस। ये लेटरल का मतलब है हर एक कंपोनेंट हर एक चीज का इन्फ्रिंज कर लेना, नया प्रोडक्ट जो आपने जो बनाया है बिल्कुल उसी को ले लेना। कई केसेस इसमें बताए गए हैं, कई केसेस इसमें बताए गए हैं उन्होंने इन्फ्रिंज किया है, रिलेटेड टू द लामीज पेटेंट ऑफ वाटर गन्स विद द नेम ऑफ द सुपर सॉकर्स, है ना, उसके नाम पे उसने पेटेंट इन्फ्रिंज करा लिया था। दूसरा मद्रास हाईकोर्ट में भी जो है टीबीएस मोटर कंपनी लिमिटेड एंड बजाज ऑटो लिमिटेड दोनों के बीच में डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट चला था। इन कंस्ट्रक्टिंग एन एलिगेशन ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट व्हाट इज टू बी सीन वेदर द अलेक्ट इन्फ्रिंजमेंट हैड टेकन द सबस्टांस ऑफ द इन्वेंशन इग्नोरिंग द फैक्ट एज टू ओमिशन ऑफ सर्टन पार्ट्स और एडिशन ऑफ द सर्टन पार्ट। ये जब जो है आपको ओमिशन ऑफ द सर्टन पार्ट्स और एडिशन ऑफ द सर्टन पार्ट्स जब किया था टीबीएस मोटर कंपनी वर्सेस द बजाज ऑटो लिमिटेड, तो आपको ये इन्फ्रिंजमेंट हुआ था। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस नॉन लिटरल, इसमें नॉन लिटरल इन्फ्रिंजमेंट में इज नॉट लिटरली डायरेक्टेड टू व्हाट इज क्लेम्ड इन द पेटेंट स्पेसिफिकेशन बट द इन्फ्रिंजिंग डिवाइस ऑफ प्रोसेस में बी सिमिलर इक्विवेलेंट टू द क्लेम्ड इन्वेंशन। ये कह रहा है कि जो इन्फ्रिंजिंग डिवाइस है और प्रोसेस है ये सिमिलर होगा, सिमिलर टू द क्लेम्ड इन्वेंशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ द पेटेंटेड प्रोसेस यूजेज इथेनॉल एंड इन्फ्रिंजर इज ए बुटानॉल, है ना। ये क्या कहता है कि आपको नॉन लिटरली में उसने डायरेक्ट जो उसके समान है उसको यूज नहीं किया, बट द फंक्शन इज द सेम, दोनों जो अल्कोहल ग्रुप का ही था, इसने इथेनॉल यूज किया था इसने बुटानॉल यूज किया था, तो दोनों अल्कोहल ग्रुप का है, इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस इसको बोलते हैं। कि इसमें अगर कोई डिवाइस परफॉर्म सेम फंक्शन इन सबस्टेंशियली इन द सेम वे एंड सबस्टेंशियली इन द सेम रिजल्ट देन ट्रिपल आइडेंटिटी टेस्ट इज नाउन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस, है ना। एक कंपनी जो है इथेनॉल से रेडी किया, दूसरा कंपनी जो है बुटानॉल से रेडी किया, है ना, तो फिर भी ये जो है इन्फ्रिंजमेंट कहा जाएगा क्योंकि दोनों का जो फंक्शन है सेम है, दोनों सेम वे में किया है, दोनों का रिजल्ट सेम है, इसको ट्रिपल आइडेंटिटी टेस्ट बोलते हैं। ये तीन आइडेंटिटी टेस्ट जो है आपको नॉन डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस में किया जाएगा, है ना। द गोल ऑफ द डॉक्ट्रिन इक्विवेलेंस इज प्रोवाइड पेटेंट ओनर्स विच एडेड एंड फेयर प्रोटेक्शन ऑफ देयर पेटेंट्स, ये आपको प्रोवाइड करता था। डॉक्ट्रिन वाज हेल्ड इन दिस केस,
ग्रेवर टैंक मैन्युफैक्चरिंग एंड लिंडे एयर प्रोडक्ट्स, इसमें आपको डॉक्ट्रिन ऑफ जो इक्विवेलेंस का केस आया था, वेयर लिंडे एंड ग्रेवर फॉर इन्फ्रिंजिंग देयर पेटेंटेड वेल्डिंग प्रोसेस, है ना, वेल्डिंग प्रोसेस में आपको आया था, लिंडे टेक्नोलॉजी यूज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, वेयर एज ग्रेवर यूज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, है ना, दोनों का जो वेल्डिंग का प्रोसेस था ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को यूज किया था, कैल्शियम और मैग्नीज, ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को यूज किया, बट ही यूजेज कैल्शियम एंड मैग्नीज, है ना, लिंडे कंपनी कैल्शियम और मैग्नीशियम यूज किया था वेल्डिंग प्रोसेस में, जबकि ग्रेवर यूज कैल्शियम एंड मैग्नीज, है ना, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम आर टू एलिमेंट्स बट सबनेशियली सिमिलर प्रॉपर्टी एंड हैंस मेयर रिप्लेसमेंट ऑफ मैग्नीज विथ मैग्नीशियम टू अचीव द सेम रिजल्ट माइट इन्फ्रिंज पेटेंट राइट्स, फिर भी उसको जो है पेटेंट राइट हो गया। तो ये आपको डॉक्ट्रिन बताता है कि सिमिलर इन्फ्रिंजमेंट आपको हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट उन्होंने किया है, है ना, वो यूज करता था, एक कंपनी यूज करता था कैल्शियम और मैग्नीशियम को, और दूसरा यूज करने लगा कैल्शियम और मैग्नीज को, लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों जो है सेम एलिमेंट है, उसका फंक्शन सेम है, तो इसीलिए ये भी जो है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस के अंदर आएगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एट दैट इट वॉज एन इन्फ्रिंजमेंट, ये आपको इन्फ्रिंजमेंट है अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस, एंड डिक्लेयर्ड ग्रेवर्स प्रोडक्ट वॉज ए रिजल्ट ऑफ ऑब्वियस alternative to the materials used in the granted patent, है ना, तो आपको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इट वॉज एन इन्फ्रिंजमेंट। तो यही केस आता है, ये तीन ट्राई टेस्ट मैंने आपको बताया, ये ट्राई टेस्ट आपको आपको चेक किया जाए, चेक करेगा कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस है या नहीं है, ये आपको तीन टेस्ट आपको चेक करेगा कि भाई वो सेम फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा, सेम वे में कर रहा नहीं कर रहा, सेम रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा, इसको ट्रिपल आइडेंटिटी टेस्ट बोलते हैं। ये सभी के साथ में यही हुआ है कि उन लोगों ने मटेरियल अलग यूज किया था लेकिन फंक्शन एक था, इसीलिए उसको जो है इन्फ्रिंजमेंट का केस में आपको आपको लाया गया, है ना। तो इंडियन केस में यहां भी एक एग्जाम्पल दिया है, इंडियन केस में राज प्रकाश भरे वर्सेस मंगत राम चौधरी, है ना, इन्होंने पेटेंटेड ओवर ए फिल्म स्ट्रिप व्यूअर, फिल्म स्ट्रिप व्यूअर को मेनली एज ए टॉय फॉर चिल्ड्रेन, एक चिल्ड्रेन का फिल्म स्ट्रिप व्यूअर को दोनों ने आपको पेटेंट कराया था, है ना। दूसरा कंपनी भी जो है सेम सिमिलर प्रोडक्ट विच फंक्शन इन द सेम मैनर टू द देयर्स, ये वही कराया था, वे ऑब्जर्विंग देयर व्यूअर्स फाइंड दे हैव बोथ सिमिलर एंड कंसील्ड द डिफेंडेंट प्रोडक्ट एज ए पायरेटेड वर्सन ऑफ द पेटेंटेड व्यूअर, फिर उसको भी वही पाया। तो कई एग्जाम्पल दिए गए हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सिस का, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस का, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस का, आपको ये तीन टेस्ट करके पता चल जाएगा कि इक्विवेलेंस है कि नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस इसको बोलते हैं, उसने सेम वे फंक्शन में यूज किया है नहीं किया, सेम वे यूज किया है नहीं किया, सेम रिजल्ट यूज किया है नहीं किया, इसीलिए ये जो है आपको इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा, है ना, ये सारा आपको इन्फ्रिंजमेंट कराएगा। दूसरा है इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट, इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट, इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट एज इविडेंट फ्रॉम द नेम हैपेंस व्हेन इन्फ्रिंजमेंट डज नॉट हैपन बट द डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट इज फैसिलिटेटेड बाय समवन एल्स, दिस मीन दैट इवन दो इट इज इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ द डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट, इन केस ऑफ द डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट थर्ड पार्टी माइट एक्टिवली इंड्यूस इंकरेज और मटेरियली कंट्रीब्यूट टू द इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटी सच थर्ड पार्टी माइट बी डायरेक्ट इन्फ्रिंजर फॉर बिजनेस स्पेशली सर्विस प्रोवाइडर्स वेंडर्स एक्सपोर्टर्स इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट बिकॉज इन दाउ दे मस्ट बी मेकिंग एंड सप्लाइंग प्रोडक्ट एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट देयर इज ए लाइक्लीहुड ऑफ द इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट, है ना, ये आपको इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट है। उसमें जो है आपको
डायरेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट लूप में थर्ड पार्टी के रूप में वो आपको इन्फ्रिंज करता है, जिसमें कि बिजनेस का सर्विस प्रोवाइडर से इम्प्रूव होता है, वेंडर्स होते हैं, इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स होती है, इस तरह का हो सकता है। तो इसमें आपको दो तरह का था, इंड्यूस्ड इन्फ्रिंजमेंट था और दूसरा था आपको कंट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट। इन केस ऑफ इंड्यूस्ड इन्फ्रिंजमेंट, वन एक्टिवली एंड नॉली नोन ड्यूसेस द अदर पर्सन टू इन्फ्रिंज ए पेटेंट बाय इंक्रीजिंग असिस्टिंग एडिंग एंड इंड्यूसिंग हिम हर टू डू सो, है ना। उसमें वो जानते हुए भी जो है, जानते हुए भी जो है दूसरा पर्सन का जो जो पेटेंट है उसको जो है वो करता है ना, तो उसको इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं, इंड्यूस्ड इन्फ्रिंजमेंट। ए पेटेंट ए पोटेंशियल प्रोड्यूसर ऑफ इन्फ्रिंजमेंट अवेयर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ द पैटर्न एंड वेल इंटेंट फॉर देयर एक्शन टू रिजल्ट इन द थर्ड पार्टी इन्फ्रिंजमेंट इन द पैटर्न। इसमें थर्ड पार्टी का जो है रोल आता है, थर्ड पार्टी का रोल आ करके अगर वो करता है तो उसको इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द इंड्यूसमेंट कैन ऑल्सो इंक्लूड लाइसेंसिंग असाइनिंग एन इन्वेंशन फॉर विच देयर हैज बीन ए पैटर्न। पैटर्न इन्फ्रिंजमेंट बाय इंड्यूसमेंट टाइपिकली मीन्स the inducer willingly and knowingly aided in the infringement, but say or may not be have specially attended to violate a patent infringement, है ना। तो इसके कई केसेस आए हैं। तो इसमें ये देखिए, दो कंपनी का नाम लिया हुआ है, SEB SA versus Montgomery Ward को, दोनों का जो है, SEB जो है ये फ्रेंच कंपनी है जो कुकिंग अप्लायंसेस बनाती है ना, और दूसरा कंपनी भी डीप फ्रायर बनाया, विच हैज एन आउटर सेल दैट वाज लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू द अदर्स इन द मार्केट, है ना। और तीसरा कंपनी है पेंथाल्पा बाउट एफसी विच डीप फ्रायर कॉपीड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट एक्सेप्ट सर्टन एस्थेटिक फीचर, है ना, इसने कॉपी कर लिया। पेंथाल्पा ने डीप फ्रायर बनाया SEB का, सिर्फ कुछ आइटम को छोड़ के, एस्थेटिक मतलब होता है जो बाहरी जो है आपको लुकिंग पैटर्न है, लुकिंग चीज है, वो एस्थेटिक को छोड़ के सारा चीज उसका जो है डीप फ्रायर का जो है वो कॉपी कर लिया, है ना। तो ये जो है आपको इंड्यूस्ड इन्फ्रिंजमेंट कहलाता है कि सारा चीज उसने कॉपी कर लिया, है ना, तो इसको इंड्यूस्ड इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं, है ना। तो पेंथाल्पा जो है उसने पॉइंट का अटर्नी को प्रोडक्ट को जानने के लिए, तो ये आपको इंड्यूस्ड इन्फ्रिंजमेंट है। तो आपको ये जो है आपको कई केसेस आते हैं, यहां भी आपको 2015 में भी जो है फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ द US सुप्रीम कोर्ट, है ना, दो यहां पर आप उसने किया था। तो द कोर्ट हैड इंड्यूस्ड कैन नॉट बी सेड टू हैव अकर्ड विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल डायरेक्ट इन्फ्रिंजर। अकामी हैड यूज्ड यूट लाइमलाइट फॉर इन्फ्रिंजिंग, ये आपको टैगिंग स्टेप है, ये लाइमलाइट का आपको होता है, और इसको करने के लिए इंड्यूस्ड इन्फ्रिंजमेंट इसको बोलते हैं। थर्ड पार्टी उसमें आपको इन्वॉल्व होता है तो इसको इंड्यूस्ड इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। कंट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट, कंट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट व्हेन देयर इज एन इंटेंशनल पार्टिसिपेशन और असिस्टेंस बाय वन पार्टी इन एक्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट टू द अदर पार्टी मेकिंग देम रिस्की लियेबल फॉर एक्ट ऑफ द इन्फ्रिंजर। कंट्रीब्यूटरी मतलब का है, कंट्रीब्यूटरी में जो इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट है उसमें इन्फ्रिंजमेंट तो वो करता ही करता है, थोड़ा सा जो है कुछ नया चीज दे देता है तो वो कहलाता है कंट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट, कुछ नया कर दिया तो इसको बोलते हैं। इन यूजुअल केसेस ऑफ दिस प्रोडक्ट विल हैव नो कमर्शियल स्टैंडिंग आउट ऑफ इट्स इन्फ्रिंजिंग प्रोडक्ट, है ना। कंट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट होता है व्हेन ए सेलर प्रोवाइड्स ए पार्ट और कंपोनेंट दैट व्हाइल नॉट इटसेल्फ इन्फ्रिंजिंग एनी पेटेंट, है ना। एक आइटम तो बनाया लेकिन उसमें कोई पार्ट जो है वो कर दिया जो कि आपको उसमें यूज नहीं होता है ना। बट ये आपको वेरी सिमिलर टू द इंड्यूस्ड पेटेंट इंफॉर्मेशन के वेरी सिमिलर है, है ना। यहां पर एक आपको केस लिया हुआ है, ब्रिस्टल मेयर केस
ये फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो आपको ड्रग ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवरियन कैंसर का ये बनाता था, द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन गाइड हु कंटेंट एडमिनिस्ट्रेशन डोजेज स्पेसिफिकली मेंशन द यूज ऑफ एक्टिव ग्रेडियंट ऑफ द ड्रग टैक्सोल, टैक्सोल वो उसने बनाया था। तो इट इज अल्टीमेटली हेल्ड बाय द फेडरल कोर्ट एंड फाउंडिंग बाय सप्लाइंग ए ड्रग कंटेनिंग टैक्सोल मॉनिटरिंग देयर प्रोडक्ट गाइड एंड इंफ्रिंज्ड मेयर्स पैटर्न। हियर द कंपनी हैड नॉट डायरेक्टली इंफ्रिंजेस द पैटर्न ऑफ द अनदर कंपनी बट मेयर द फैक्ट दैट द मेंशन ए पैटर्न इंग्रेडिएंट एज ए गाइड। उसमें पैटर्न इंग्रेडिएंट जो था उसने डायरेक्टली तो किया नहीं, तो उसमें कुछ जो है पार्ट जो है उसमें आप उसने अपना मिला दिया। दवाई में मान लिए 6 कंपोनेंट थे तो उसमें 5 कंपोनेंट सिमिलर कर दिया, 1 कंपोनेंट कुछ मिला दिया, तो इससे भी जो है इंफ्रिंजमेंट जो है आपको आता है। तो ये सारे जो है आपको ये चारों जो है ये 4 टाइप का आपका पेटेंट इंफ्रिंजमेंट था। ये 4 टाइप जो आपको मेनली जो आपको टाइप्स ऑफ इंफ्रिंजमेंट है यही आपको इंफ्रिंजमेंट है ना, ये आपको टाइप्स ऑफ इंफ्रिंजमेंट आपको बता रहा है। 2 तरह का होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट करने का मतलब है कि ट्रू कॉपी कर लिया, सारा चीज कर लिया, लिटरल वे में सारा चीज कर दिया, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट लिटरल, डायरेक्ट लिटरल इंफ्रिंजमेंट। एवरी थिंग हैज बीन कॉपीड, कोई भी चीज उसने छोड़ा नहीं, उसने कॉपी कर लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस में क्या आता है कि भाई उसने कॉपी तो करा लेकिन कुछ पार्ट जो है उसके बदले में, जैसे आपको बताया था उसमें मैग्नीशियम था, उसमें मैं उसने उसने मैंगनीज डाल दिया, तो वो इक्विवेलेंस वो ट्राई टेस्ट से उसका टेस्ट होगा कि वो उसका आपको इक्विवेलेंस आएगा। इनडायरेक्ट में क्या है कि इंड्यूस्ड करके थर्ड पार्टी लाया है ना, इसने डायरेक्टली तो नहीं करा, इसने डायरेक्टली तो सारा चीजें नहीं ली, इसने इसने थर्ड पार्टी के यूज से उसके जो है कुछ चीजें जो है उसको रख दी। कंट्रीब्यूटर का मतलब है कि कुछ पार्ट, जैसे दवाई में आपको 6 कंपोनेंट होते हैं, 5 कंपोनेंट सिमिलर है और थोड़ा सा एक पार्ट नया कर दिया, उसको कंट्रीब्यूटरी इंफ्रिंजमेंट बोलते हैं। तो ये आपको टाइप्स ऑफ द इंफ्रिंजमेंट है, आपको लिटरल इंफ्रिंजमेंट, डॉक्ट्रिन इक्विवेलेंस, इंड्यूस्ड इंफ्रिंजमेंट, कंट्रीब्यूटरी इंफ्रिंजमेंट। तो ये आपको इंफ्रिंजमेंट का टाइप है। इसके जो है कई केसेस आपको यहाँ पर आपको आपको समझाया मैंने कि ये आपको यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर मैंने ये चारों इंफ्रिंजमेंट के टाइप को आपको मैंने क्लियर कर दिया कि लिटरल का मतलब है कि सारा चीज कॉपी कर लिया, लिटरल लिटरली एकदम कंप्लीट 100% कॉपीड, तो उसको बोलते हैं लिटरल इंफ्रिंजमेंट। ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप है, क्योंकि कोई भी पार्ट बनाएंगे, कोई भी चीज बदलेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा, है ना, फंक्शन नहीं करेगा। मान लीजिए एक पेन है, पेन में आपको जो जो आइटम आता है वो सारा आइटम तो डालना ही पड़ेगा तभी तो काम करेगा। तो जनरली जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द इंफ्रिंजमेंट है ये आपको डायरेक्ट इंफ्रिंजमेंट है, वो आपको लिटरल इंफ्रिंजमेंट होता है ना। तो ये आपको टाइप्स ऑफ द इंफ्रिंजमेंट है। इंड्यूस्ड में थर्ड पार्टी के थ्रू होता है, थर्ड पार्टी के थ्रू होता है ना। लिटरली मीन्स एलेज इंफ्रिंजिंग डिवाइस का ईच एंड एवरी कंपोनेंट, जितने भी ईच एंड एवरी कंपोनेंट है सारे को उसने कॉपी कर ली, कुछ नहीं छोड़ा उसका, 100% जो है उसने कॉपी कर लिया इसको, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप टू द एग्जैक्ट ऑफ द पेटेंट इंफ्रिंजमेंट। जैसे इसने कैमरा बनाया था, उसने भी सारा कैमरा जो बनाया बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो बना दिया उसका, है ना। पोलराइड कॉर्पोरेशन और इसमें कोडेक कंपनी का जो कैमरा पहले आता था, अब तो कैमरा बंद हो गया, पहले जो कंपनी आता था बिल्कुल डिट्टो 100% कॉपी कर लिया उसके जो उसके केस में अगेंस्ट चला था, और ये इसके अगेंस्ट में भी ये केस चला था आपको यूएसए में, है ना, लक्ष्मी कॉर्पोरेशन अलार्म, ये सारे केस चले थे कि उन्होंने बिल्कुल कॉपी कर लिया था आपको जो है पेटेंट को, है ना। इसको बोलते मद्रास हाई कोर्ट में टीबीएस मोटर कंपनी और बजाज ऑटो के बीच में आपको केस चला था मद्रास हाई कोर्ट में, तो उसमें भी यही था कि इसने सारे पार्ट को कॉपी कर लिया था। नन लिटरल का मतलब है उसने नन लिटरल का मतलब क्या है
कि उसने इथानॉल यूज किया, इसने ब्यूटानॉल यूज कर लिया, है ना। दोनों अल्कोहल ग्रुप का ही है, फैमिली सेम है, तो ये जो है आपको ट्रिपल आइडेंटिटी टेस्ट से पता चलता है कि उसका सेम फंक्शन है कि नहीं है, इसका ये सेम वे में है कि नहीं है। ट्रिपल आइडेंटिटी से केस में आपको आपको पता चलता है कि उसे जो है अल्कोहल का ही ग्रुप उसने यूज कर लिया, है ना। उसने इथानॉल यूज करा था, इसने ब्यूटानॉल यूज कर लिया, अल्कोहल फैमिली का। तो ये आपको तीन आइडेंटिटी टेस्ट से पता चलता है कि नहीं उसने भी जो है इन्फ्रिंजमेंट कर लिया, तो इसको बोलते हैं नॉन लिटरल, है ना। डायरेक्ट तो नहीं करा, उसने चेंज कर दिया, ये ब्यूटानॉल यूज करता था, वो इथानॉल यूज किया, तो इसको नॉन लिटरल बोलते हैं, नॉन लिटरल इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट तो किया है ना, लेकिन उसने नॉन लिटरल इन्फ्रिंजमेंट किया, है ना। तो कई केसेस में यहां पर भी दिखाया गया है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को यूज किया था, इसने कैल्शियम और मैग्नीज को यूज कर लिया, है ना। वेल्डिंग प्रोसेस में वेल्डिंग रॉड जो बनाते हैं उसने कैल्शियम और मैग्नीशियम यूज किया था, इसने कैल्शियम और मैग्नीज यूज किया। तो मैं जब कैल्शियम मैग्नीज यूज किया, दोनों का फंक्शन तो सेम है, मैग्नीज और मैग्नीशियम का, तो इसको भी इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है ना। कई केसेस इसमें अभी भी जो इन्फ्रिंजमेंट जो है आपको हुआ था, तो इसी को आपको इन्फ्रिंजमेंट कहा जाता है। इनडायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट में क्या है कि 100% कॉपी नहीं करता है, इसमें थर्ड पार्टी के थ्रू ही होता है। मेनी बिजनेस सर्विस टू प्रोवाइडर्स है, वेंडर्स है, इंपोर्टर्स है, एक्सपोर्टर्स है, ये जो है कॉपी करता है, तो इसको इंड्यूस्ड इन्फ्रिंजमेंट में वो डायरेक्ट नहीं करता है, लेकिन वो अदर पर्सन का इनकरेज करके, असिस्टिंग करके, एडिंग करके, इंड्यूसिंग करके, इसीलिए इसको इंड्यूस्ड हर टू डू सो, है ना, इंड्यूस्ड हर टू डू सो। तो इसमें कौन करेगा, वेंडर्स करेगा, सर्विस प्रोवाइडर करेगा, इंपोर्टर्स करेगा, एक्सपोर्टर्स करेगा, ये उसको करेगा, है ना। कहने का मतलब है इंड्यूस्ड, मान लो मारुति कंपनी का वेंडर है, मारुति कंपनी वेंडर को बोलती है कि हमें अच्छा सामान चाहिए, तो उसने फोर्ड की गाड़ी का बिल्कुल कॉपी कर लिया और वो मारुति को कर दिया, तो इसमें इस केस में इंड्यूस्ड किया, द मारुति हैज इंड्यूस्ड टू द वेंडर्स टू कॉपी देम, उसको कहा कि अच्छे सामान बना के लाओ, उसने जो है फोर्ड का जो है सामान बना के उसको पहुंचा दिया, तो मारुति हैज इंड्यूस्ड टू डू दैट, इसीलिए इसको इंड्यूस्ड इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं, थर्ड पार्टी इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं, है ना, थर्ड पार्टी भी इन्फ्रिंजमेंट इसको बोलते हैं, है ना। इसमें आपको यहाँ पर एक डीप फ्रायर में यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि डीप फ्रायर कंपनी जो है डीप फ्रायर बनाया, ये देखिए इसने डीप फ्रायर बनाया, इसने उसने वेंडर को बोला, उसने सेम डीप फ्रायर बना दिए, बना करके उसको पहुंचा दिया थर्ड पार्टी के थ्रू, तो इसको इंड्यूस्ड बोलते हैं, है ना, इंड्यूस्ड इन्फ्रिंजमेंट इसको बोलते हैं। कंट्रीब्यूटर का मतलब है कि उसने नहीं सारा नहीं किया, कोई मेडिसिन बनाया, उसमें उसके 6 इंग्रेडिएंट थे, उसने 5 इंग्रेडिएंट सिमिलर रखा और थोड़ा सा अपना कुछ नया मिला दिया, कंट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको कंट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं, एज ए टाइप ऑफ द कंट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट इसको कंट्रीब्यूटरी बोलते हैं। अपना कुछ कंट्रीब्यूट किया फिर वेरी सिमिलर आइटम टू द इंड्यूस्ड आइटम का, तो ये आपको इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट है, डायरेक्टली तो नहीं करा इसने, है ना। एक दवाई बनाई, टैक्सोल बनाई, टैक्सोल में जो है 5 इंग्रेडिएंट सिमिलर है, एक से एक जो है अपना नया लगा दिया, तो इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट। ये आपको टाइप्स ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट है ना। तो इसी को आज जो है वो करेंगे, है ना। तो ये सारा आपको टाइप्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट है ना, टाइप्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ही आज रहे, यहाँ तक ही रहने देते हैं, आपका अटेंडेंस ले लेते हैं, पहले इसको समझिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह पहले समझिए। जीरो 41 शेखर,
022 जैनेश चौहान जी, जीरो टू अभिषेक दुबे जी, 06 अंकित शर्मा जी, 08 जितेंद्र राणा 23 कौशल 25 पवन नेगी 30 राहुल 32 रामदत्त भट्ट 38 ऋषभ नायक 22 नंदिनी गुज्जर जी 29 राहुल चौधरी 33 12 पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबका नाम फिर से आपको बोल देता हूं। राहुल चौधरी जी 33, नंदनी गुज्जर जी 29, जैनेश चौहान जी 22, ऋषभ नायक जी 54, राहुल जी 32, पवन नेगी जी 30, कौशल कुमार जी 25, जितेंद्र राणा जी 23, चंदन शाह जी 008, अंकित शर्मा जी 006, अभिषेक दुबे जी 02, शेखर जी 41। ये सारे आपके पार्टिसिपेंट्स हैं आज, है ना। तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं आज जो है। तो अभी फिर से उसको मैं आपको रिपीट कर देता हूं। वी आर स्टडिंग अबाउट द इंफ्रिजमेंट टाइप। टाइप कितने तरह के होते हैं, इंफ्रिजमेंट टाइप वही स्टडी कर रहे थे। इंफ्रिजमेंट के दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट इंफ्रिजमेंट, इनडायरेक्ट इंफ्रिजमेंट, है ना। डायरेक्ट में है कि 100% उसने कॉपी कर लिया, 100% जो है उसने कॉपी कर लिया तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट में भी दो तरह का होता है, लिटरल और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस। इनडायरेक्ट में है कि उसने कॉपी पूरा नहीं करा है, इनडायरेक्ट वे में किया है। इनडायरेक्ट वे में कोई आइटम को हटाया है तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड इंफ्रिंजमेंट, कंट्रीब्यूटरी इंफ्रिंजमेंट। इनडायरेक्ट में इंड्यूस्ड का मतलब है थर्ड पार्टी के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू। जैसे मारुति का वेंडर करता है, वेंडर करेगा वो, मारुति नहीं करेगी, उसका वेंडर करेगा। और वो क्या करेगा, फोर्ड की गाड़ी का जो है डुप्लीकेट बना देगा। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड, उसका वेंडर करता है, इंड्यूस्ड करते। वो मारुति बोलता है उसको अच्छा अच्छा आइटम बनाओ, तो उसने क्या किया, फोर्ड का आइटम का गाड़ी का, और उसने जो है उसमें कर लिया। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड इंफ्रिंजमेंट। कंट्रीब्यूटरी का मतलब है कि कोई दवाई बनानी है ना, दवाई बनानी है, उसमें मान लीजिए 8 कंपोनेंट हैं, 8 इंग्रेडिएंट्स हैं, तो 8 इंग्रेडिएंट्स में उसने 6 को कॉपी कर लिया बिल्कुल वही, और 2 जो है नया लगा दिया, तो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी। कुछ थोड़ा सा पार्ट जो है अपना भी कर दिया, 2 आइटम अपना लगा दिया, तो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी, है ना। तो ये उसको बोलते हैं डायरेक्ट में, लिटरल में 100% कॉपी कर ली उसने, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, 100% एकदम बिल्कुल डिटो कॉपी कर ली, है ना। और डायरेक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब है कि 2 कंपोनेंट लिया उन्होंने, उसने लिया था इथानोल, इसने ले लिया बिटानोल, है ना, तो वो अल्कोहल ग्रुप का ही ले लिया, तो वो भी डायरेक्ट के अंदर आ गया। हिमांशु 17 इज एंटरिंग नाउ।
है ना, तो उसने इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस बोलते हैं, ये इसको ट्राई टेस्ट इसमें करके इसको चेक करते हैं कि उसने क्या किया है। कॉपी तो किया उसने, 100% कॉपी कर ली, लेकिन उसमें वो जैसे उसमें मैग्नीशियम मिलाता था तो इसने मैंगनीज डाल दिया, मैंगनीज डाल करके जो वेल्डिंग रॉड बनाया उसको बिल्कुल सेम बना दिया वेल्डिंग रॉड, वो मैग्नीशियम डालता था इसने मैंगनीज डाल दी, दोनों का फंक्शन सेम है, तो ये भी जो है डायरेक्ट इन्फ्रिजमेंट के अंदर आता है। तो यही टाइप्स ऑफ इन्फ्रिजमेंट है ना, बहुत आसान है और यही आपको टाइप्स ऑफ द इन्फ्रिजमेंट है, बहुत आसान है। तो फिर से उसको आप देख लेते हैं, डायरेक्ट इन्फ्रिजमेंट में ये सबसे ज्यादा होता है डायरेक्ट इन्फ्रिजमेंट कॉमन टाइप, क्योंकि आप कोई भी सामान उसमें हटाएंगे बदलेंगे हो सकता है प्रोडक्ट का फंक्शन चेंज कर जाए, तो प्रोडक्ट का जब फंक्शन ही चेंज हो जाएगा तो फिर तो उसको लेगा ही नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि डायरेक्ट इन्फ्रिजमेंट कॉमन टाइप ऑफ द इन्फ्रिजमेंट, बिल्कुल कॉमन टाइप ऑफ द इन्फ्रिजमेंट है, डायरेक्टली उसने कर लिया है। तो ये हमेशा इन्फ्रिजमेंट का केस आता रहता है, अभी भी जो है मोबाइल कंपनी का केस चला था, उसने उसका मॉडल कॉपी कर लिया था, तो ये जो है इन्फ्रिजमेंट का केस जो है वो चलता रहता है। जो इन्फ्रिंजर है वो बताता नहीं है, वो कहता है कि नहीं हमने करा नहीं है, जब मार्केट में आता है, मार्केट में आने के बाद जो है वो क्लियर होता है, मार्केट में वो जब क्लेम करता है तो फिर क्लियर होता है कि जो है उसने कॉपी कर रखा है। तो ये भी केसेस है कि इन्फ्रिंजर जो है वो बताता नहीं है, जब जो उस पर क्लेम आता है पहली कंपनी उसको क्लेम करता है तो कहता है कि कॉपी कर रखा है ना। तो ये आपको डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब यही हुआ। डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट दो तरह का होता है, लिटरल और नॉन लिटरल, है ना। लिटरल में कि हमेशा पूरा कर लिया ईच एंड एवरी कंपोनेंट क्लेम्ड इन द पेटेंट स्पेसिफिकेशन, जो प्रोडक्ट सर्विसेज में था उसको सारा का सारा कर लिया लिटरल में। तो इसमें जैसे कैमरा का मैंने बताया था, कैमरा का जो इंस्ट्रूमेंट कोडक कैमरा पहले आता था पोलराइड कॉर्पोरेशन का आता था, तो उसमें आपको डायरेक्ट कर लिया उसने, है ना। कई दूसरे एग्जाम्पल भी हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है, सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये सारा आपको डायरेक्ट इन्फ्रिजमेंट है। टीवीएस मोटर कंपनी मद्रास हाईकोर्ट में दोनों का केस चला था, बजाज ऑटो का, उसने टीवीएस मोटर कंपनी का सारा केसेस जो है बजाज ऑटो वाले ने उन्होंने कॉपी कर रखी थी, तो उसको लिटरल बोलते हैं। जब एक भी चीज नहीं हटेगा, क्योंकि एक भी चीज उसका हटाएंगे तो वो फंक्शन नहीं करेगा, गाड़ी का जो मोटर बनाएगा तो उसमें कोई भी चीज उसे हटाएगा तो वो उससे तो फंक्शन करेगा ही नहीं, तो वो क्या करते हैं कि पूरा कर लेते हैं, है ना। तो उसको डायरेक्ट लेटरल इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। नॉन लेटरल में क्या है कि उसने कॉपी तो करा लेकिन ये ट्रिपल आइडेंटिटी टेस्ट से पता चला कि उसने कॉपी कर लिया है। कॉपी तो करा बट सब्सटेंशली फॉर द सेम फंक्शन, सब्सटेंशली ऑन द सेम वे, सब्सटेंशली ऑन द सेम रिजल्ट, ये ट्राई आइडेंटिटी टेस्ट से पता चला कि भाई उसने पहले इथेनॉल यूज किया था और दूसरी कंपनी जो बनाई उसने ब्यूटानॉल यूज कर लिया, दोनों सेम अल्कोहल ग्रुप का है, दोनों का फंक्शन सेम है, सेम वे में करेगा, तो ये जो है आपको इनडायरेक्ट, है ना। तो आपको ये नॉन लिटरल इन्फ्रिंजमेंट में आएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंस में आएगा, है ना। जैसे यहां पर आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम यूज कर रहा था, ये लिंडे सूट ग्रेवर, लिंडे जो है आपको कैल्शियम मैग्नीशियम यूज कर रहा था, ग्रेवर कंपनी जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम यूज कर लिया और बाकी सारा सेम रहा, तो ये भी इन्फ्रिंजमेंट के केस में आएगा, है ना। इंडियन केस में भी यहां पे रजत प्रकाश और मंगत राम चौधरी के बीच में हुआ है ना। ये भी केस जो है उसके इंडियन केस में रवि कमल बाली वर्सेस कलाटेक में हुआ है ना। इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट में क्या है, उसका वेंडर करता है,
कंपनी के कई मारुति के कई वेंडर्स हैं, 800-900 वेंडर हैं, तो वेंडर करता है और वो बताता नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि जो है हमारा माल वहां पे सिलेक्ट हो जाएगा, कंपनी में सिलेक्ट हो जाएगा, तो वो अच्छा बनाता है, वो फोर्ड की गाड़ी का कर लिया और उसको वो कर दिया। तो थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व होता है ना, थर्ड पार्टी इसमें को इन्वॉल्व होता है इंड्यूस्ड में, वो उसको अच्छा बनाने बोलता है तो वो फोर्ड की गाड़ी का नकल करके पूरा उसको वो कर देता है, तो इसको थर्ड पार्टी इंड्यूसमेंट, थर्ड पार्टी इंड्यूसमेंट बोलते हैं, है ना। उसने उसको अच्छा बनाने बोला, बस उसने नकल कर लिया, है ना, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्फ्रिंजमेंट। उसके कहने पे, उसने इनकरेज करने पे असिस्टिंग कर दिया, एडिंग कर दिया, इंड्यूसिंग हिम टू डू सो, है ना, तो इसको इंड्यूस्ड इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। ये डीप फ्रायर का केस में इसमें चला था, डीप फ्रायर का केस में उसमें आपको चला था, है ना, ये इन दोनों के बीच में चला था डीप फ्रायर का केस में, है ना। डीप फ्रायर इसने बनाया, पेंथल्पा ने, लेक स्पेसिफिक कंपेयर टू द अदर्स इन द मार्केट, उसका पेंथल्पा का जो है वो एक ये हांगकांग बेस्ड कंपनी है, इसी का जो है सेम कॉपी कर लिया, तो इसको भी जो है आपको इंड्यूस्ड इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं, है ना। कंट्रीब्यूटर का मतलब है कुछ पार्ट वाइज जो है, अगर 100 पार्ट है तो दो पार्ट कॉपी कर लिया, दो पार्ट अपना नया बना दिया, 98 पार्ट उसी का ले लिया, इसको कंट्रीब्यूटर बोलते हैं। कुछ तो कंट्रीब्यूट करा इसने, सारा इसने करा नहीं, तो कुछ तो कंट्रीब्यूट करा, कुछ कंट्रीब्यूट करने के बाद जो है आपको, तो इसको कंट्रीब्यूटर बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप दवाई का केस में लीजिए, यहां पे दिया हुआ है दवाई का केस में, कैंसर का मेडिसिन बनाया इसने, एक्सटॉल टैक्सोल, टैक्सोल में तो उसने उसका सिमिलर प्रोडक्ट तो बनाया, लेकिन उसने कुछ जो है नया कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल दिया उसमें, तो इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी, कंट्रीब्यूटरी इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट तो है,